और हिमाचल प्रदेश की मंडी से बीजेपी कैंडिडेट के तौर पर मैदान में उतरी बॉलीवुड की एक्ट्रेस कंगना रनौत अपने बयानों और चुनाव प्रचार को लेकर लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं। वैसे भी कंगना अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहती है, लेकिन अब क्योंकि वो चुनाव प्रचार कर रही हैं, तो वो जो बयानबाजी कर रही हैं, उसको लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं। कांग्रेस ने हमला किया है कंगना के इस बयान को लेकर। क्या कुछ ऐसा कंगना ने कह दिया कि कांग्रेस पलटवार करने लगी, देखिए इस रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव भले ही अंतिम चरण 1 जून को होने हो, लेकिन बयानबाजी को लेकर हिमाचल में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है, खासकर मंडी लोकसभा सीट को लेकर, जहां कांग्रेस और बीजेपी नेता आमने सामने है। मंडी से बीजेपी ने बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को मैदान में उतारा है। कंगना धुआंधार प्रचार भी कर रही है और चुनावी जनसभाओं को भी संबोधित कर रही है। कंगना अपनी चुनावी जनसभा में सबसे ज्यादा राहुल गांधी और हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य को निशाने पर ले रही है। मनाली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कंगना रनौत ने राहुल गांधी को बड़ा पप्पू और विक्रमादित्य को छोटा पप्पू बता डाला। एक बड़ा पप्पू है दिल्ली में, लेकिन हमारे यहाँ पे भी एक छोटा पप्पू है। वो कहता है कि मैं गौ मांस खाती हूँ और उसके पास एक वीडियो है, तो वो वीडियो दिखाता क्यों नहीं है? उसके पास कोई तो इस चीज का प्रमाण होगा कि उसने मुझे गौ मांस खाते हुए कहां देखा। झूठा और एक नंबर का पलटूबाज है ये छोटा पप्पू। लेकिन आप इससे उम्मीद ही क्या कर सकते, जब इसका सीनियर बड़ा पप्पू कहता है कि हमें शक्ति का विनाश कर देना है, जो भी हिंदू धर्म की जो शक्ति है, देवी शक्ति जो है, उसका विनाश कर देंगे, तो जब बड़ा पप्पू ऐसे बातें करता है तो छोटे पप्पू से क्या उम्मीद की जा सकती है। कंगना के इस बयान ने हिमाचल की ठंडी में सियासी गर्मी ला दी है। कांग्रेस के नेता और हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य ने भी कंगना को लेकर सवाल उठा डाले और पूछ डाला कि जब हिमाचल में तबाही आई थी तब आप कहाँ थी। आज तक इस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग हिमाचल जैसी पवित्र देवभूमि में नहीं हुआ होगा। खैर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जिस मनाली के मंच पर थी, अगर उन्होंने इस शब्दावली के बजाय अगर मनाली के मुद्दों की बात करी होती। आपको याद है कि कुछ ही दिनों पहले, कुछ ही महीनों पहले सदी की सबसे बड़ी आपदा मनाली में आई, हिमाचल में आई, मंडी में आई, और आप कहती हैं कि मेरा घर मनाली के अंदर है, मैं मनाली वासी हूं। मगर क्या आप आपदा के समय में एक दिन भी मनाली में गई? दरअसल विक्रमादित्य और दूसरे कांग्रेसी नेताओं ने कंगना रनौत के बीफ खाने वाले एक पुराने ट्वीट को लेकर घेरा था, जिसके बाद कंगना रनौत ने मनाली की जनसभा से विक्रमादित्य पर निशाना साधा।